सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेंस लेवल तक का टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। एनसीईआरटी के बारे में हमने सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए। अब जो हम केसेस करने जा रहे हैं, जो मतलब जो स्पेशल केसेस है, ठीक है, वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइन नहीं की जा सकती, लेकिन हर स्टेप क्योंकि एलिमेंट्री होता है तो हर स्टेप का अपना एक मॉलिक्यूलरिटी होगा। ओवरऑल ऑर्डर भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो जो आरडीएस का ऑर्डर होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है। ठीक है, अब आपको अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो अब तक क्या था कि आपको मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर बताना है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन में ज्यादातर बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट केस 1, इसमें दो केस बनते हैं। केस 1 आपका क्या है, केस 1 है व्हेन आरडीएस इज गिवन। ठीक है, जब आरडीएस दिया हो तब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, आरडीएस इज गिवन। ठीक है, इसमें भी दो केस है, इसमें भी दो केस क्या है, एक तो आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट, आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट, किसको, रिएक्टेंट को सिर्फ अगर इन्वॉल्व करता है तो ऑर्डर ऑर्डर वगैरह या रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पर रिएक्शन है 2a + 3b, 2a + 3b ये आपको दे रहा है a2b3, ये आपको क्या दे रहा है a2b3। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म जो मैंने प्रपोज किया है, लेट्स से इसका मैकेनिज्म मैंने किया है, पहले स्टेप में मेरा a plus b गिव ab। ठीक है, हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन है बेटा, ab plus b tends to give ab2 और ab2 + a + b तो ये आपको देगा a2 b3। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप वन है तो इसका स्टेप वन लिखा, ये स्टेप टू लिखा और ये स्टेप थ्री लिखा। अगर मैं स्टेप वन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप हो रहा है तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलूंगा। अगर स्टेप वन की मैं मॉलिक्यूलरिटी बोलता हूं तो 1 + 1 = 2, स्टेप टू की मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 = 2, स्टेप थ्री की मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 + 1 मतलब 3 मॉलिक्यूलरिटी होगा। आई बात समझ सबको। मान लो अगर मैंने ये स्लो स्टेप माना, ये स्लो है और ये फास्ट है और ये भी फास्ट है, ये भी पहला स्टेप स्लो स्टेप है, बाकी स्टेप आपका क्या है फास्ट स्टेप है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा r = k a^1 और b^1। तो यहां से ऑर्डर बताना बहुत आसान है, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, ये स्टेप बहुत आसान है, मतलब ये पहला तो आपको आरडीएस दिया रहेगा, स्लो स्टेप दिया हो ओनली रिएक्टेंट का डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते हो। केस 2 थोड़ा डिफरेंट है, अगर आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट, समझ में आ रहा है, यहां से कहानी थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगी। रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट दोनों आपको दे दिया है, बात समझना, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट आपको दोनों दिया हुआ है, तब उस केस में कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में मतलब ये तो है कि स्लोवेस्ट स्टेप में आपका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा, इसका मतलब अगर स्लोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी इंटरमीडिएट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था रेट लॉ एक्सप्रेशन में या तो रिएक्टेंट रहेगा या तो प्रोडक्ट रहेगा या कैटलिस्ट रह सकता है, पर इंटरमीडिएट कभी भी नहीं रह सकता। तो मेरा मेन टारगेट ये होगा कि उस इंटरमीडिएट को बाय हुक और बाय क्रूक एनी हाउ उस इंटरमीडिएट को मुझे रिप्लेस करना है कंसर्न रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन से। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं उसमें इफ आरडीएस इन्वॉल्व इंटरमीडिएट। ठीक है, सेकंड इफ आरडीएस इन्वॉल्व इंटरमीडिएट, इफ आरडीएस इन्वॉल्व इंटरमीडिएट then we have to express, then we have, then we have equivalent, then we have to express, then we have to express, just a second, then we have to express
एक्सप्रेस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रॉम गिवन रिएक्शन, ठीक है, उसी रिएक्शन में। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसी रिएक्शन को ले रहा हूं, जैसे सपोज करो ए प्लस बी, यही मैकेनिज्म है, रिएक्शन मेरा सेम है, रिएक्शन मैं यही यूज कर रहा हूं, बस मैकेनिज्म भी मैं यही यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा जैसे सपोज करो रिएक्शन, पहला स्टेप है ए प्लस बी टेंड्स टू गिव ए बी, ठीक है। अब इस स्टेप को मैंने फास्ट स्टेप कर दिया, ठीक है, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी टेंड्स टू गिव ए बी टू, ये स्टेप मेरे लिए क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है, और ए बी टू प्लस ए प्लस बी टेंड्स टू गिव ए टू बी थ्री, ये भी मेरे लिए क्या हो चुका है, फास्ट हो चुका है, समझे बात को। इसका मतलब ये होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा आपके लिए यहाँ पे, रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा आर इज इक्वल टू के ए बी और बी। देखो अब इस ए बी को आपको हटाना है बाय एनी हाउ, ठीक है, तो कभी भी याद रखना, या तो वो पहले रिएक्शन ए बी आपको कहां दिख रहा है, या तो इसमें दिख रहा है या तो इसमें दिख रहा है, तो पहले स्टेप में अगर ये इररिवर्सिबल है तो इसको मान लो रिवर्सिबल अपने आप, क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में ये जहां इंटरमीडिएट वाला जो स्टेप होगा ना, जो जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ होगा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम दिया जाएगा, तो या तो आपको ऐसे दे सकता है, और नहीं भी दिया तो इसको इक्विलिब्रियम मान लेना, तो लेट्स से इसको K1 मानता हूं, इसको K2 मानता हूं, और अच्छा करने के लिए इसको K3 मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं K4, तो अगर और अच्छा क्वेश्चन के लिए तो मेरा क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा यहां पे। अब मुझे करना क्या होगा बेटा, समझो बात को, मुझे करना सिंपल सा ये है कि मुझे AB को हटाना है, और मुझे पता है K इक्विलिब्रियम का मेरा क्या होगा, K इक्विलिब्रियम बराबर होगा K1/K2, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ AB डिवाइडेड बाय A और B, इसका मतलब AB का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अब आपके पास, K1 K2 बाय A और B। अब ये पुट कर दो यहां पे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K3 K1 K2 इनटू AB की जगह क्या हो जाएगा, A और B स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, K इफेक्टिव, क्या बोलेंगे K, क्योंकि ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये होगा, तो ओवरऑल K इफेक्टिव का एक्सप्रेशन भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, हो सकता है आपको डायरेक्ट के इफेक्टिव का एक्सप्रेशन पूछ दे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में, कि आपको के इफेक्टिव का एक्सप्रेशन क्या होगा, या बोल सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर 1 होगा और बी का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, या ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओवरऑल कहानी का मतलब समझ में आया, जहां इंटरमीडिएट आपको देगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो रेट जिस इंटरमीडिएट अगर दिया आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन फाइंड आउट करो कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम दिया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं दिया है तो एक काम करना, इसको इक्विलिब्रियम मान के इसको फिर K1 K2 मत माना, अगर इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ तो K1 K2 मत माना, ये मैंने अपने से मन से दिया है कि मान लो अगर K1 K2 को फॉर्म में दिया हो तो कैसे करोगे, और नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट K इक्विलिब्रियम मान के इसको यहां पे K1 K2 या K इक्विलिब्रियम कर सकते हो। आई बात समझ में, जनरली क्वेश्चन अच्छे लेवल करने के लिए हर रिएक्शन का वो रेट कांस्टेंट देगा, और ओवरऑल आप सब देखिए K इफेक्टिव का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पैसेज वाले में, ठीक है, पैसेज वाले में बहुत जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था पहला केस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मान लो ट्वाइस ऑफ O3, ट्वाइस ऑफ A3 गिव थ्राइस ऑफ O2, ठीक है, ये है मेरा, और इसका मैकेनिज्म है O3 टेंड्स टू गिव K1 K2, K1 K2 O2 प्लस O, ये मेरा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, O प्लस O3, O प्लस O3 टेंड्स टू गिव K3 K3 ट्वाइस ऑफ O2, ये मेरा है स्लो स्टेप, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर फॉर रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्लो रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ O, कंसंट्रेशन ऑफ O3, यहां तक। अब आपका मेजर टारगेट क्या, इंटरमीडिएट को हटाना, आपका मेजर टारगेट क्या होगा, इसको हटाना। अब इसके अकॉर्डिंग
आप देखो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है भैया, फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा जहाँ इंटरमीडिएट होगा वहां या तो इक्विलिब्रियम साइन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो अपने आप मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम मेरा क्या हो जाएगा, अगेन K1 बाय K2 इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O, कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो कंसंट्रेशन ऑफ O किसके बराबर हो जाएगा मेरा, K1 K2 O3 बाय O2। तो पुट कर दो, R बराबर क्या हो जाएगा, K2 अच्छा K3 हो जाएगा, सॉरी ये K3 हो जाएगा, तो यहाँ पे K3 आ जाएगा, K3 K1 K2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O3 का स्क्वायर हो जाएगा O2 का पावर -1 और O3 का स्क्वायर। ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आपके पास क्या हो गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हो गया K1 बाय K2 और ऑर्डर आपके पास कितना हो गया, -2 + 1 मतलब 1 ऑर्डर हो जाएगा। समझ में? देखो यहाँ तक तो अभी भी चीजें क्या है, बहुत आसान है बेटा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट को एनी हो हटाना है। यदि मैंने देखो केस वन मेरा क्या था कि आरडीएस गिवन होता है, अब आरडीएस गिवन है मतलब दो टाइप के मैकेनिज्म होगा, या तो एक मैकेनिज्म में सिर्फ आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा आरडीएस में, दूसरे मैकेनिज्म में यह हो सकता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसमें इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट दोनों, ये केस वन होता है, तब भी चीजें आसान है। अगर ये एडवांस में क्वेश्चन है तो समझ लो तुम यू आर वेरी लकी कि बहुत इजी है ये। यदि अगर ऐसा हुआ कि आरडीएस दिया ही नहीं जाए तब कैसे रेट टू एक्सप्रेशन लिखो, देखो एक बात याद रखना, केस टू जो है मेरा आरडीएस इज नॉट गिवन, मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा उसमें बस इतना याद रखना, उसमें आपसे ऑर्डर नहीं पूछेगा, उसमें क्या क्या पूछ सकता है ये अभी हम देखते हैं। अब जो सेकंड वाला वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड वाला क्या थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्योर एडवांस लेवल में, मतलब मान के चलो एडवांस में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम इसको। ठीक है चलो केस टू क्या है मेरा, केस टू है व्हेन आरडीएस इज नॉट गिवन, जब आरडीएस ना दिया जाए, तो आरडीएस ना दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं स्टेडी अप्रोक्सीमेशन मेथड, स्टडी अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। एक्चुअली इस चीज में आपको क्या करना रहता है, इंटरमीडिएट से डील करना रहता है, ठीक है। अब इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए, ठीक है, कोई भी रिएक्शन तो तभी प्रोसीड होगा, ठीक है, क्योंकि देखो क्योंकि ये जो मैं डील कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डील कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियस होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा कुछ चीज होता नहीं है, एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप होता है, वही एलिमेंट्री मतलब वही क्या होता है आरडीएस होता है, ठीक है, बट ये सारी चीजें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आरडीएस की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल आप ना तो उसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते ना ही आप उसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते, तो जब तक आरडीएस ना दिया जाए तो आप कुछ भी उस रिएक्शन के बारे में बोल नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से है तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा स्टेप में हुआ होगा, तो 110% मान के चलो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉरी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटरमीडिएट पर डिपेंड करेगी। अब करना क्या रहता है, देखो होता क्या है, जब रिएक्शन प्रोसीड होता है और रिएक्शन खत्म होता है तो इंटरमीडिएट उस रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद बनता है और धीरे धीरे क्या होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और जैसे रिएक्शन खत्म होने वाला रहता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, घटते जाता है, मतलब बढ़ने का रेट और घटने का रेट ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द पूरे रिएक्शन क्या होता है बराबर रहता है, मतलब इसलिए क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन में ही वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, बट ऐसा भी तो होगा कि कुछ समय के लिए वो क्या रहा होगा कॉन्स्टेंट रहा होगा, जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है, जितना बढ़ रहा है, बट एक समय के लिए क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटरमीडिएट देखो इनिशियली तो फॉर्मेशन हुआ होगा,
अब उतने ही रेट से क्या होगा घटा, जितने रेट से यहाँ बढ़ रहा उतने ही रेट से घटा होगा, कुछ बीच में क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, बीच में इंटरमीडिएट क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा उस समय। अरे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मैं मान रहा हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जितने स्पीड से बढ़ रहा हूँ से घट रहा हूँ, उन दोनों के बीच में एक ऐसा समय तो होगा ना जिसमें इंटरमीडिएट मेरा क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझो। तो इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूं, इनिशियली फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, 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 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी हाई, विल बी हाई एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कंजम्पशन इज हाई, रेट ऑफ कंजम्पशन is high, कहने का मतलब rate of production of intermediate और rate of consumption of intermediate या almost क्या रहते हैं, equal रहते हैं, but for maximum time, but for maximum time, maximum time rate of consumption and rate of production, rate of consumption and rate of production, rate of consumption, rate of production of intermediate, of intermediate, of intermediate will be same, will be same, वही बोल रहा ना, initially बढ़ेगा, ठीक है, इनिशियली इंटरमीडिएट क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसी रेट से वो घटता है। तो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये इक्वल होता है। देखो तो मैक्सिमम टाइम के लिए, अगर मैं टाइम, सॉरी ये वाला जो है टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो मैक्सिमम टाइम इस केस में क्या होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में इंटरमीडिएट बच जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले बनता है, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, जब तक रिएक्शन चलते रहेगा तब तक इंटरमीडिएट भी आपके साथ रहेगा ही रहेगा, रिएक्शन में रहता ही रहता, विल बी सेम, एंड दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट, एंड दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट, एंड दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, इसका मतलब एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, क्या होगा, स्टडी स्टेट में ये मानना है कि इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब जो इसका रेट होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो रेट ऑफ इंटरमीडिएट हमेशा क्या रहेगा, जीरो आपको मान के चलना है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जो मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेके, उसमें ट्राई करना एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे सपोज करो यही एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, ट्वाइस ऑफ ओ थ्री tends to give thrice of O2, ठीक है, तो मेरा mechanism जो है इसका O3 tends to give K1 O2 plus O, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा O2 plus O tends to give K2 O3 और O3 plus O tends to give K3 thrice of किस टाइप का एक्सप्रेशन, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या मैं अगर रेट की बात करूं तो मेरा रेट बराबर क्या होगा, -1/2 डी ऑफ O3/dt इज इक्वल टू क्या होगा +1/3 डी ऑफ O2/dt। ठीक है, जनरली इस टाइप के एक्सप्रेशन में आपकी इनके इनका एक्सप्रेशन पूछा जाएगा कि डी ऑफ O3/dt का एक्सप्रेशन क्या होगा, डी ऑफ O2/dt का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये स्टेप से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनका एक्सप्रेशन निकालने आना चाहिए। बस ये एक्सप्रेशन निकल गया, चीजें खत्म हो गई, फिर इतना ज्यादा कोई हार्ड होता नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर इस तरीके से है तो समझो, मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए कि इसकी -d(O3)/dt, तो मैं इसका रेट का वैल्यू पता कर सकता हूं, या मुझे d(O2) का वैल्यू पता चल जाए, कौन सा +d(O2)/dt का वैल्यू पता चल जाए, तो भी मैं इसका रेट पता कर सकता हूं। ठीक है, अब इनका रेट का कैसे करोगे कैसे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एलिमेंट्री रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। तो इसके रेट का एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1O3। ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा R1 R2, इसका R2 बराबर क्या हो जाएगा K2O2O। ठीक है, और यहाँ पे R3 किसके बराबर हो जाएगा, R3 बराबर हो जाएगा K3O3O। ठीक है, ये इनके रेट का एक्सप्रेशन है क्योंकि ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अब आप देखो, आपको डी ऑफ O3 लिखना है, मतलब O3 कहां का प्रोड्यूस हो रहा है, O3 यहां पे मिल रहा है आपको, यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है, ये दो जगह मिल रहा है। इसका मतलब देखो, आपको यहां -d(O3) लिखना है। इसका मतलब क्या, मैं इसको इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, -d(O3)/dt इज इक्वल टू R1 लिख सकता हूं, क्या यहां पे +d(O3)/dt को क्या लिख सकता हूं, R2 लिख सकता हूं, यहां पे d(O3)/dt को क्या लिख सकता हूं, R3 लिख सकता हूं, बस R1 R2 R3 का एक्सप्रेशन क्या करना है आपको, पुट कर देना। देखो, समझ में आया थी बात, तो -d(O3)/dt किसके बराबर होगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट में और वो भी रिएक्टेंट में, इसलिए +K1O3 आएगा। अब यहां पे मुझे निकालना किसका है, -d(O3)/dt, लेकिन यहां पे वो किस में है, प्रोडक्ट में है, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां माइनस पुट कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -d(O3)/dt के बराबर हो जाएगा, क्योंकि d(O3)/dt किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा, R2 के बराबर, R2 का एक्सप्रेशन किसका है, K2O2 और O, सॉरी O है, दिस इज O, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -K2O2O। ठीक है, और O3 कहां पे, यहां पे भी है, यहां पे रिएक्टेंट में, तो अगर यहां पे क्या होगा, +K3O3O। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, बस कुछ नहीं, आपको इनके एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, अगेन +d(O2)/dt, ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में। ठीक है, O2 का अगेन क्या होगा, O2 अगेन क्या होगा, +K1O3। ठीक है, यहां पे O2 कहां पे, रिएक्टेंट में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -K2O2O हो जाएगा। ठीक है, और अगेन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में, लेकिन तो यहाँ पे 2 है, तो जो स्टोइकोमेट्री होगा ना, उसी को 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको किस फॉर्म में लिखोगे, +1/2 d(O4)/dt इक्वल टू किसके बराबर होगा, K3O3 हो। यहाँ पे अगर समझाने की कोशिश करो, सिर्फ इस रिएक्शन को आप किस फॉर्मेट में लिखोगे, इस रिएक्शन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखोगे ना +1/2 d(O4)/dt इज इक्वल टू क्या होगा, R3, या R3 को आप किसके बराबर लिख सकते हो, K3O3O लिख सकते हो, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो K3O ट्वाइस ऑफ, तो मैं लिख सकता हूँ, बस कुछ नहीं, हर एक्सप्रेशन को इसके बराबर करके मैंने सम अप कर दिया, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इसका ये होगा, इसमें भी सबका एक्सप्रेशन इसके बराबर करके इसको मैंने सबको ऐड कर दिया, तो ओवरऑल यही होगा, तो बस इसको आपको यही करना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +2K3O3O। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया वो चीजें कैसे करना है ये। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगर यहां पे इसी केस में मैं क्या बोलूं कि मान लो अब ऐसे आपको d(O)/dt भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, d(O)/dt का एक्सप्रेशन लिखना है, तो d(O)/dt कहाँ फॉर्म हो रहा है, चलो पहले में हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट साइड में, मतलब क्या होगा, K1
O3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में रिएक्टेंट में तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस K2O2 हो जाएगा, ठीक है। बाद में कहा है, बाद में रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस K3O3 माइनस K3O3 ओ, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसके रेट का एक्सप्रेशन को आप बस नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर इसको मैं लिखूं प्लस डीओ बाई डीटी इज इक्वल टू क्या होगा K1O3, यहाँ पे क्या होगा माइनस डीओ बाई डीटी इज इक्वल टू क्या होगा K2O2 हो, और माइनस डीओ बाई डीटी किसका होगा K3O3 हो। मुझे प्लस डीओ बाई डीटी लिखना है तो सब जो प्लस वाला प्लस को छोड़ के सब माइनस को माइनस कर देना और सबको ऐड कर देना, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इन तीनों रिएक्शन का मिला के ये नहीं बनेगा आपको, अगर सबको मैं ऐड कर दूं एक साथ, मतलब सबके एक्सप्रेशन को, आई बात समझ में, ठीक है। यहां तक आपको अगर चीजें क्लियर हो चुकी है तो चलो इनको क्या करना है, आपको सबमिशन कर देना, कुछ नहीं सबके एक्सप्रेशन को आपको ऐड कर देना, समझ में ही बात सबको, चलो ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, फिर से अगेन समझा रहा हूँ, अगर आपको ऑक्सीजन का लिखना है प्लस डीओ बाई डीटी, तो प्लस डीओ बाई डीटी, अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट साइड में है तो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, अगर अपोजिट साइड में तो वहां माइनस कर देना, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड में तो प्लस K1O3 हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइड में तो क्या हुआ माइनस K2O2 हुआ, और यहाँ पे नेगेटिव रिएक्टेंट साइड में तो क्या हुआ माइनस K3O3 हुआ, क्योंकि मुझे पता है एट स्टडी स्टेट, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जब आरडीएस नहीं दिया रहता है तो स्टडी स्टेट में हम क्या मान लेते हैं, डी ऑफ इंटरमीडिएट हमेशा क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम इसको, जीरो मान लेते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब K1O3 माइनस K2O2O माइनस K3O3O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओ जो निकलेगा, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ओ जो निकलेगा आपका, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा K1O3, ठीक है, डिवाइडेड बाय K2O2 प्लस K3O3, K2O2 प्लस K3O3, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देते हैं, नेट आपको किसका एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, DO3 बाई डी टी का, DO4 बाई डी टी का, जनरली आपसे एडवांस में यही पूछा जाता है, एक्सप्रेशन पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो देख लो, तो माइनस DO4 बाई डी टी को क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस मैं इसी का एक निकाल के देख रहा हूँ, DO4 का आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको मुझे लिख के बताना होगा, ठीक है। तो DO4 बाई डी टी, तो K1O3 तो एज इट इज रहेगा मेरे पास, ठीक है, माइनस K2O2 ऑक्सीजन, अब O का पुट कर दो, इनटू K1O3 बाय K2O2 प्लस K3O3, ठीक है, प्लस K3O3 अगेन K1O3 डिवाइडेड बाय K2O2 प्लस K3O3, ठीक है। अगेन इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तो K1O3 को K2O2 से मल्टीप्लाई करो तो K1 K2 O2 O3, ठीक है, प्लस K1O3 इनटू K3O3, ठीक है, माइनस K2O2 K1O3 प्लस K3O3 K1 K2O2O3 सेकेंड एक्सप्रेशन है K1 K3O3 का स्क्वायर, अच्छा चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ K1 K3O3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, बाद में क्या हो जाएगा माइनस K1 K2 O2 O3, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस K1 K3O3 का स्क्वायर, O3 का स्क्वायर, K1
डिवाइडेड बाय एलसीएम के जो मैंने लिया था तो के टू ओ टू प्लस के थ्री ओ थ्री, तो के वन के टू ओ टू ओ थ्री, के वन के टू ओ टू ओ थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस डी ओ बाई डी ओ थ्री बाई डी टी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा आपका ट्वाइस ऑफ के वन के थ्री कंसनट्रेशन ऑफ ओ थ्री का स्क्वायर बाय के टू कंसनट्रेशन ऑफ ओ टू प्लस के थ्री कंसनट्रेशन ऑफ ओ थ्री। तो देख लो अब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर तो इनको डिफाइन कभी आपसे पूछेगा ना, लेकिन हाँ इनके एक्सप्रेशन जब आरडीएस नहीं दिया जाएगा तो डी ओ फोर टू थ्री बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या होगा, डी ओ फोर टू बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इस तरीके से आपको करना है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस पे देता हूँ तो आपको आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो आपको डी ओ फोर टू बाई डी टी का आपका एक्सप्रेशन मुझे बताना है, ठीक है, यह भी आपका होमवर्क है, और जो नहीं भेजा गया वो फिर डाउट सेशन में मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो ये आपको चैप्टर खत्म होते ही है आपका होमवर्क, अभी आप डी ओ फोर टू बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिख के मुझे सेंड करोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं फॉर मच अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि टू ए टेंस टू गिव के वन के टू, ठीक है, थ्री बी टेंस टू गिव के थ्री और फोर सी, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन किसका किसका बताना है मुझे, माइनस डी ए बाई डी टी का बताना है और किसका बताना है, डी बी बाई डी टी का बताना है, प्लस डी बी बाई डी टी का, और आपको बताना है डी सी बाई डी टी का, प्लस डी सी बाई डी टी का एक्सप्रेशन बताना, ठीक है। तो कुछ नहीं देखो, आपको यहाँ पे कितने रिएक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी तीन रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपका कौन सा है, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो, नहीं समझ में तो स्प्लिट कर लो, टू ए टेंस टू गिव के वन थ्री बी, ठीक है, और थ्री बी टेंस टू गिव के टू टू ए, ठीक है, थ्री बी टेंस टू गिव के थ्री फोर सी, ठीक है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, आर वन बराबर हो जाएगा के वन ए का स्क्वायर, आर टू बराबर हो जाएगा के टू बी का क्यूब, और आर थ्री बराबर होगा के थ्री बी का क्यूब, क्योंकि हर स्टेप क्या है एलिमेंट्री है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लिखना है क्या, डी ए बाई डी टी का, माइनस डी ए बाई डी टी। अब दो रिएक्शन में आपको मिल रहा है, यहाँ पे तो इस तरीके से माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा, वन बाई टू उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ के वन ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट का पूछा यहाँ प्रोडक्ट में, तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू के टू बी क्यू, ये मैंने इसका किसका एक्सप्रेशन लिखा, माइनस डी ए बाई डी टी का, ठीक है। अगेन डी बी बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखूं मैं, तो बी यहाँ पे और दोनों, चलो इसको माइनस में रखते हैं बेटर है, माइनस डी बी बाई डी टी, तो माइनस डी बी बाई डी टी मेरे लिए क्या हो जाएगा, अगेन के थ्री माइनस डी बी बाई डी टी इसके बराबर होगा, तो वन बाई थ्री इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री के टू बी क्यू प्लस थ्री के थ्री बी क्यू, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, और भी कहीं आपको दिख रहा, हाँ यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, मैंने रिएक्टेंट साइन को दिया था, माइनस क्या हो जाएगा, थ्री के वन ए स्क्वायर, ये इसका नेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डीसी बाई डी टी आपको कौन से रिएक्शन में मिल रहा है, सिर्फ लास्ट वाले रिएक्शन मिल रहा है, और क्या हो जाएगा, फोर फोर सी का, तो वही स्टोइकोमेट्रिक मल्टीप्लाई करो, तो फोर के थ्री बी का क्यू, ठीक है। अगर अब ऐसा बोल सकते हो इसका डीसी बाई डी टी का ऑर्डर पूछ ले तो कितना होगा, थ्री होगा, अगर बी का दे दे तो इसका, तो भैया जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता तो नहीं बता सकते, तो ओवरऑल समझ में आ रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका निकाल सकते उनका निकाल सकते, बाकी को हम नहीं बोल सकते, लेकिन इनके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो अगेन टू ए टेंस टू के वन के टू बी, माइनस डी ए बाय डी टी का
उसने भी पूछा है डीबी बाय डीटी का, और उसने इस क्वेश्चन पूछा है डीसी बाय डीटी का, डीडी बाय डीटी का और डी ऑफ ई बाय डीटी का, इनका एक्सप्रेशन उसने पूछा है। तो क्या करोगे, कुछ रिएक्शन को स्प्लिट कर दो। पहला रिएक्शन क्या होगा, 2a टेंस टू k1 b, और b बराबर क्या होगा k2 2a, ये ऐसा हो गया, ये इधर हो गया। अब इधर तीन तीन दो और तीन पांच, अब b किस में जा रहा है, b जा रहा है अगेन k3 ट्वाइस ऑफ c, b किस में जा रहा है k4 3d में, और b ही किस में जा रहा है k5 e में। अगेन इनका r1 किसके बराबर हो जाएगा, r1 बराबर होगा k a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, r2 किसके बराबर होगा k2 b के बराबर हो जाएगा, r3 किसके बराबर हो जाएगा k3 b के बराबर हो जाएगा, r4 किसके बराबर हो जाएगा k4 b के बराबर हो जाएगा, और r5 किसके बराबर हो जाएगा k5 b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन मैं होमवर्क पे एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया है, माइनस डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, या आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है। चलो ठीक है, जहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, ठीक है, अब हम जो जा रहे हैं वो स्पेशल केसेस में जा रहे हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मुझे होमवर्क में, मैंने आपको होमवर्क दी है इसको, आई होप सो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, और डोंट वरी इस टाइप के क्वेश्चन हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको बेटर नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पहला जो केस आता है पैरेलल, पैरेलल और साइड रिएक्शन जिसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल और साइड रिएक्शन। ठीक है, जनरली अब तक हमने जो भी केसेस पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के, ए टेंस टू बी वाला पढ़ा था, अब जो क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, a टेंस टू k1 k2 b and c। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इनिशियली यहां पे हम क्या करते थे, t a इन t इक्वल टू 0 पे a लेते थे, तब ये 0 होता था, t इक्वल टू t पे a माइनस x तो ये x होता था। यहां पे भी वही करना है, t इक्वल टू 0 पे मैं क्या करूंगा, a मानूंगा, और t इक्वल टू t पे क्या मानूंगा, a माइनस x। अब ये जो x होगा यहाँ पे y और z में टूट गया। ठीक है, ये x मोल किसके बराबर है, y प्लस z के बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1 1 है तो y पे z है, अगर स्टोइकोमेट्री नहीं होगा तो x बराबर क्या होगा, y बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b प्लस z बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ c। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसका निकालना है, जिससे निकालना है वही वाला मेथड है, जिसका निकालना है किससे, इसका निकालना है इसके मोल्स ऊपर, इसका स्टोइकोमेट्री नीचे कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, तो नो इश्यू। तो याद रखना, जो स्टोइकोमेट्री होगा वो y को उससे डिवाइड कर देना, और जो इसका स्टोइकोमेट्री है तो इसके मोल्स को इसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देना, और इनका सम ऑफ हमेशा किसके बराबर होगा, जो मोल यहां से डिसोसिएट हुआ उसके बराबर होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या रहता है, पैरेलल वाले क्वेश्चन में आपसे देखो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, calculate effective order of reaction, calculate effective order of reaction, और क्या हो सकता है, effective half life of reaction, effective half life of reaction, effective half life of reaction। ठीक है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आपसे पूछ सकता है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आपसे पूछ सकता है, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी आपसे, ई ए मतलब एक्टिवेशन
एनर्जी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जनरली आपसे इसमें न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछे जाते, पहली बात। दूसरी बात, जनरली यहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन देगा आपसे, वो आपको हमेशा एक्सप्रेशन वे में ही पूछेगा एडवांस लेवल पे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एज वेल एज परसेंटेज ऑफ बी एंड सी एज वेल एज परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इन प्रोडक्ट। देखो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, हैलोजनेशन ऑफ अल्किन 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 या अल्काइन कराते हो, ठीक है, मतलब उसमें साइक्लो वाले में आपने देखा होगा, तो उसमें ऑर्थो पारा मेटा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें ऑर्थो पारा का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, मेटा का परसेंटेज कम रहता है। एक्चुअली प्रोडक्ट तो डिसाइड कौन करते हैं, वो तो ऑर्गेनिक वाले डिसाइड करते हैं, बट परसेंटेज कौन डिसाइड करता है, केमिकल काइनेटिक्स परसेंटेज डिसाइड करता है कौन कितना बनेगा, थीम पूरा जनरेट करके केमिकल काइनेटिक्स देता है, बाकी बार ऑर्गेनिक वाले इसके ऊपर करता है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब करता हूं इनको कैलकुलेट। ठीक है, अगर मैं डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखूंगा यहाँ से, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, के वन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ये भी के वन प्लस के टू कॉमन लेके कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मतलब ये हुआ कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के वन प्लस के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। आपको क्या फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं दिख रहा है, माइनस डी ए बाई डी टी के, तो मतलब ऑर्डर अगेन अभी भी क्या है, वन है, इसका मतलब यहाँ से इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा, के वन प्लस के टू के बराबर होगा, इफेक्टिव ये हो गया। अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो के इफेक्टिव को क्या लिख सकता हूं, 0.693 बाय टी हाफ इफेक्टिव लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या होगा, 0.693 बाय टी हाफ 1 प्लस 0.693 बाय टी हाफ 2, 0.693 0.693 कैंसिल, तो 1 बाय टी हाफ इफेक्टिव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1 बाय टी हाफ ऑफ 1 प्लस 1 बाय टी हाफ ऑफ, ये मेरा हाफ लाइफ इफेक्टिव भी आ गया। ठीक है, बहुत आसान आसान है। ठीक है, के इफेक्टिव बराबर मुझे पता है, के इफेक्टिव बराबर क्या है, के वन प्लस के टू के बराबर है, तो अब मुझे क्योंकि निकालना क्या, देखो दो चीज खत्म हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया, ये भी पता चल गया, और हाफ लाइफ इफेक्टिव पता चल गया, इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट पता चल गया, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, तो कुछ मत करो, यहाँ से मैं काम करता हूँ क्या, इसको ए डॉट ई रेज टू माइनस ई ए इफेक्टिव by RT is equal to क्या लिख सकता हूँ मैं, A dot minus EA 1 by RT plus A dot minus EA 2 by RT, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको A effective मानो, ये A1 और ये A2 हो जाएगा, differentiate कर रहा हूँ मैं with respect to temperature, with respect to temperature, तो ये क्या हो जाएगा, ए ए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट ए ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी इन टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई ए बाय आर टी स्क्वायर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई ए बाय आर टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ई इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या, अगेन ऐसा ही ए वन डॉट माइनस ई ए इफेक्ट ई वन बाय आर टी इंटू ई ए वन बाय आर टी स्क्वायर प्लस ए टू ई रेज टू माइनस ई ए टू बाय आर टी इंटू ई ए टू बाय आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इफेक्टिव ले सकता हूँ और इनटू इनटू एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव, इसको क्या लिख सकता हूँ, के वन लिख सकता हूँ इनटू ई ए वन आर टी इसका तो कैंसिल हो चुका है, प्लस के टू लिख सकता हूँ इनटू एक्टिवेशन एनर्जी टू, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा
नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो एक्स बी सी नहीं देखे, बोल देगा बी सी डी बी सी ई, तब क्या करोगे, तब थोड़ी ना, तो कुछ नहीं, के वन के टू के थ्री के फोर, रेट इफेक्टिव क्या हो जाएगा, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, वन बाई टी हाफ वन प्लस वन बाई टी हाफ टू प्लस वन बाई थ्री हाफ थ्री, मतलब समेशन ऑफ वन बाई टी हाफ आई जितना रहेगा। हो सकता और अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन करने के लिए के वन के टू के थ्री डॉट 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 एन के तक, मान लो n तक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा सबका, मान लो k है, मान लो ऐसे आपसे क्वेश्चन दिया, तो k k है, फिर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, फिर 3k हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट 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 n के तक आपको दे दिया, कि ऐसा आपको कोई पहला रिएक्शन चल रहा है उसका इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट, तो कुछ नहीं, k कॉमन लूंगा मैं, तो समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, समेशन ऑफ n नेचुरल n into n plus 1 by 2, तो वो मेरा क्या इफेक्टिव हो गया, उसी तरीके से हाफ लाइफ इफेक्टिव निकाल सकता हूं, उसी तरीके से मैं एक्टिवेशन एनर्जी, नंबर्स ऑफ मेथड है, बट नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मेथड एक ही है, बस सिंपल सा के इफेक्टिव निकालो, अगर स्टैच्यू में हो सकता है यहां पे स्टैच्यू में 2 और 3 दे दे, तो यहां पे y / 2 हो जाता था, यहां पे z / 3 हो जाता था, बस इतना ही आपको करना, बहुत आसान है, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहां तक समझ में आया, तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका अगर मैं ओवरऑल बोलूं, इसका इसका ओवरऑल जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये फाइनल रिएक्शन के लिए k फैक्टर का फार्मूला था समेशन ऑफ k है, समेशन ऑफ k मतलब k1 plus k2 plus k3 k4 डॉट 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 एंड तक चला जा सकता है, ठीक है, समेशन ऑफ 1 by t half, समेशन ऑफ t half ऑफ i हो जाएगा, 1 by t half मतलब t half to 1 plus t half तक जा रहा हूं एंड तक जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हो सकता है, समेशन ऑफ k1 ki into ei डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ki, हो सकता है k1 e1 plus k2 e2 plus k3 e3 plus k2 k4 डॉट 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 डिवाइड k1 plus k2 plus k3 फॉर समेशन, इस तरीके से मैं इन चारों चीजें क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं इन शॉर्ट, ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालने की, कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, माइनस डीए बाय डीटी, माइनस डीए बाय डीटी को किसके बराबर लिख सकता हूं, मैं ऑब्वियस बात है k1 plus k2 के बराबर लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए ये इधर जाएगा k1 k2 इधर आ जाएगा, तो अगेन मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए का फार्मूला क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का फार्मूला रहेगा a नॉट इनटू e raised to minus k1 plus k2 into t, ये formula रहेगा मेरा, क्योंकि e a not concentration of a t बराबर क्या, a not e raised to power minus k t, तो k मेरा क्या है, k1 plus k2 है, कुछ नहीं, उसी तरीके से मैं concentration of b भी निकाल सकता हूँ, concentration of b मेरे लिए क्या होगा, अगेन देखो concentration of b निकालने के लिए मैं expression लिख लो, plus dv by dt, dv by dt किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो dv by dt मेरे किसके बराबर हो गया यहाँ पे, dv by dt मेरा बराबर हो जाएगा k1 a के बराबर, किसके बराबर होगा, k1 k1 ऑफ a, लिख सकता हूं मैं, यहां तक जो यहां तक क्या होगा माइनस dv by dt इसका रेट एक्सप्रेशन प्लस dv by dt इसका रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, k1 a के बराबर होगा, तो ये इसके बराबर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहां पे k1 a, अब a का एक्सप्रेशन मेरा किसके बराबर है, k1 k1 plus k2 e raised to minus k1 plus k2 by कुछ ऐसा आएगा मेरा, कुछ मेरा एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इनटू ए नॉट भी है, सॉरी इनटू ए नॉट, ठीक है, इनटू ए नॉट, ठीक है, तो अगेन यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे फिर से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो रब करना पड़ेगा, चलो यहां पे रब कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या होगा, dv / dt को, ठीक है, dv by dt, ठीक है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, 0 से b तक इंटीग्रेट करना, dt उधर ले जाओ, तो a not k1 k1 plus k2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ करना है, इंटीग्रेट आपको करना है, इंटीग्रेट करना है e raised to minus k1 plus k2 into t 0 से लेकर t तक, ये dt, तो e raise to minus x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raise to minus x ही होता है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ dv का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, k1 a not into k1 plus k2 into k1 plus k2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e raise to minus k1 plus k2
इंटू कहां से कहां थे, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर ये टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू टी, ठीक है, और जी कहां से इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू टी जीरो से लेकर टी तक, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा के वन ए नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा के वन ए नॉट, ओके, अच्छा माइनस के वन बाई के टू हो जाएगा ना, नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, सॉरी 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 माय मिस्टेक, के वन मैंने गलती कर दी ना, एक्सप्रेशन क्या निकाला था मैंने, कंसंट्रेशन, ओह शिट, देखो यहाँ के वन के टू आएगा ही नहीं, यहाँ पे के वन के टू आएगा, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ये गलती हो गई, सॉरी सॉरी गलती हो गई है, देखो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी सॉरी वो क्या लिख सकता हूँ, माइनस डीबी बाई डीटी प्लस डीबी बाई डीटी, इसको लिख सकता हूँ के वन ऑफ ए, और के वन के ए का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टू प्लस के वन प्लस के टू इंटू टी, ये होगा, ठीक है, अब इसको क्या करो, डी टी को उधर ले जाओ, डी बी एज इट इज रहेगा, तो डी बी इसको इंटीग्रेट करना जीरो से लेकर बी तक, और के वन ए नॉट बाहर चला जाएगा, इसको जीरो से लेकर टी तक ई रेस टू माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन तो ये ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन होता है, तो डी बी का डी बी हो जाएगा, और बी ही मेरा कंसंट्रेशन निकालना है मुझे के वन ए नॉट, ठीक है, तो इन टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा के वन प्लस के टू आ जाएगा, के वन प्लस के टू आ जाएगा, और के वन प्लस के टू आ जाएगा, और क्या रहेगा आपका ई रेस टू माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी का फाइनली फॉर्मूला बनता है के वन ए नॉट बाय के वन प्लस के टू वन माइनस ई रेस टू माइनस के वन प्लस के टू, ये फॉर्मूला बनता है कंसंट्रेशन ऑफ बी का, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, अगर ये बी का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बनता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी, सेम एज इट इज मैं उसी तरीके से करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी जो बराबर होगा वो बराबर होगा मेरा के टू ए के बराबर होगा, इसका मतलब इस पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे के टू आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी बराबर क्या होगा, के टू ए नॉट बाय के वन प्लस के टू वन माइनस ई रेस टू माइनस के वन प्लस के टू, ठीक है, ये मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट वन मेरा खत्म, पार्ट टू क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय सी का रेशियो अगर मैं निकाल लेता हूँ, मुझे क्योंकि प्रोडक्ट में परसेंटेज निकालना है, कि परसेंटेज ऑफ पहले बताना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, तो रेशियो बी एंड सी का निकाल लिया मैंने, बी एंड सी का रेशियो ऑफ से बात है के वन बाय के टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा के वन बाय के टू, और फिर मुझे निकालना प्रोडक्ट में परसेंटेज कितना होगा, अब सपोज करो अगर मैंने इसको ऐसा किया सी बाय बी कर दिया मैंने सी बाय बी, देखो प्रोडक्ट का परसेंटेज अगर मैं परसेंटेज ऑफ बी निकालू तो कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर मैं बोलू अगर 50 में से 30 आपको आया तो उसका परसेंटेज कितना होगा, तो 30 बाय 50 करोगे ना टोटल में से, तो बी था टोटल आपका कंसंट्रेशन बी प्लस सी, प्रोडक्ट का टोटल कंसंट्रेशन तो बी प्लस सी होगा, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इसको मैं और दोनों तरफ प्लस वन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा के टू बाय के सी बाय बी का उल्टा रेशो के टू बाय के वन और प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा के वन प्लस के टू बाय के वन, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सी प्लस बी बाय बी, तो अगेन रिवर्स क्या हो जाएगा आपका के वन बाय के वन प्लस के टू, के वन बाय के वन प्लस के टू हो जाएगा, आई बात समझ में, इसका मतलब ये होगा कि परसेंटेज ऑफ बी आपके लिए क्या हो जाएगा के वन बाय के इफेक्टिव इंटू 100, आई बात समझ में, जो ऑर्थो पारा का जो हम डिसाइड करते थे परसेंटेज वो इसी मेथड से डिसाइड करते थे, समझ में आई बात सबको, हाँ या ना, तो अगेन मेरा परसेंटेज ऑफ सी मेरे लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सी हो जाएगा के टू बाय के इफेक्टिव इंटू 100, या तो आप 100 से बी का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आपको सी का परसेंटेज मिल जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है, और दिक्कत यहाँ तक, चलिए एक और मैं ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि आखिर आपको इसमें करना क्या है, ठीक है, आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है,
जैसे सपोज कर मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ए है ये जा रहा है के वन और ये दे रहा है एम टाइम्स ऑफ बी और ये जा रहा है के टू ये दे रहा है एन टाइम्स ऑफ बी। सारी चीज आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है बी बाई सी का रेशियो, सेम चीज, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो अगेन ए ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा वाई बाई एम और यहाँ पे जेड बाई एम। बताया था मैंने आपको x का वैल्यू किसके बराबर होगा, अब x का वैल्यू बराबर होगा y बाई एम के प्लस z बाई एम के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था स्टैच्यू y बाई स्टैच्योमेट्री ऑफ b और z बाई स्टैच्योमेट्री ऑफ c। इस तरीके से हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ dx बाई dt का निकालने के लिए, dx बाई dt अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, dx बाई dt को क्या लिख सकता हूँ वन बाई एम dy बाई dt और इसको क्या लिख सकता हूँ वन बाई एन डी जेड बाई डी टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डी वाई बाई डी टी को, ठीक है, डी वाई बाई डी टी इसका देखो डी एक्स बाई डी टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी वाई बाई डी टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी। डी वाई बाई डी टी लिखूंगा ना, बट इनिशियली जीरो था तो वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो बाई टी मतलब दैट समथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बता रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी ये सी है, ये रेट ऑफ कंसंट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बता रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बता रहा है, तो दैट इज डी बाय डी टी और डी बाय डी टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन बाय एम को मैं लिख सकता हूं, इसका एक्सप्रेशन कितना होगा एम इंटू के वन ऑफ ए प्लस वन बाय एन, इसको क्या लिख सकता हूं, क्योंकि जो भी स्टैच्योमेट्रिक के रेट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा एन इंटू के टू ऑफ ए, एन एन कैंसिल एम एम कैंसिल, तो अगेन क्या हो जाएगा के वन प्लस के टू ऑफ ए आ रहा है डी ए बाय डी टी, ठीक है, डी ए बाय डी टी अगेन ये आ रहा है, मतलब अगेन इफेक्टिव रेट चेंज, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगर इफेक्टिव रेट कांस्टेंट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, के इफेक्टिव में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हाफ लाइफ इफेक्टिव में भी चेंज नहीं आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा कि किसी चीज में चेंजेस नहीं आएंगे पहले पार्ट में। चलो कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो बस फर्क कितना आ जाएगा, देखो इनका रेशियो क्या दे रहा था, इनका रेशियो दे रहा था k1 बाय k2, k1 बाय k2, तो अब क्या देगा, अब दे देगा mk1 बाय mk2, जो भी स्टोइकोमेट्री होगा उसको mk1 और mk2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको रेशियो दे देगा, बस इतना ही है। कभी-कभी ऐसा हो जाएगा, मान लो यहां पे अगर आपको क्वेश्चन दे दे p दे दे यहाँ पे ऐसा दे दे, तो आप कैसा करोगे, कुछ नहीं करो, p को डिवाइड कर दो इनसे, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा y by p हो, y by p हो जाएगा और z by p हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है, इनके मोल्स को इनसे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि इसने हाई लेवल तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो, इसका मतलब दो किसी भी प्रोडक्ट का रेशियो आपको क्या देता है, उनके रेट कॉन्स्टेंट के रेशियो के बराबर होता है, और अगर स्टोइकोमेट्रिक होगा तो स्टोइकोमेट्रिक से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ओवरऑल आपका ये था मोरल ऑफ द स्टोरी, बाकी कल हम करेंगे सीरीज, सीरीज वाले क्वेश्चंस, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में